क्लास टेन साइंस चैप्टर एट भाग एक में हम एन के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं प्रश्न है गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी है गर्भ निरोधन की जो विधियाँ होती है उसमें उसका मुख्य उद्देश्य केवल एक ही होता है कि जो स्पर्म होता है जिसको हम शुक्राणु कहते हैं उसको एक अर्थात अंड कोशिका से मिलने से रोका जाता है तो इसके लिए पहली जो मेथड है वो है यांत्रिक विधि जिसको हम मैकेनिकल मेथड बोलते हैं तो इस विधि में वही मैंने कहा कि जो शुक्राणु होता है स्पर्म होता है उसको एक या अंड कोशिका तक पहुंचने से रोका जाता है और पुरुषों में जो जननांग होते हैं उनको ढकने के लिए कंडोम और स्त्रियों में जो जननांग होते हैं उनको ढकने के लिए लूप या कापर्टी की मदद से ये संभव होता है तो ये इस तरीके से इसकी मदद ली जाती है यहाँ आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी की मदद से जो है ये मादा जनन अंग को ढकने का प्रयास किया गया है दूसरा जो महत्वपूर्ण विधि है वो है शल्य चिकित्सा या सर्जरी के द्वारा तो हमें पता है कि जो सर्जरी की जो मेथड होती है उसके अंदर पुरुषों की जो शुक्रवाहिकाएँ हैं उनको या स्त्रियों की अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब जो होती है नली का होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है अवरुद्ध कर दिया जाता है ताकि फिर वही बात की वो स्पर्म और एक का जो मिलना है वो न हो पाए तीसरी जो महत्वपूर्ण गर्भ निरोधन की विधि है वो है रासायनिक विधि रासायनिक विधि या केमिकल मेथड में क्या होता है कि इसमें पिल्स या गोलियों के माध्यम से हार्मोन संतुलन का परिवर्तन किया जाता है और जिससे क्या होता है ऐसा अगर हो तो उससे क्या होगा जो एग है वही रिलीज नहीं होगा मतलब अंड का मोचन ही नहीं होता जिससे जो निषेचन या फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होता तो इस तरीके से ये गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां हैं